गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास टेंथ का सब्जेक्ट हमारा विज्ञान होगा, जो कि कार्यपत्रक हमारा 8 है और यह 23 जुलाई 2021 के लिए है। तो विद्यार्थी फिर से अपना यह नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम पढ़ेंगे धातु और अधातु, राइट। धातु अधातु मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो चलिए, धातु और अधातु के कुछ भौतिक गुण क्या क्या होते हैं इसे हम समझते हैं। गुणधर्म यानी धात्विक चमक, यानी धातु में की सतह चमकदार होती है जबकि अधातु चमकीली नहीं होती है, पहला अंतर है आपका। और अच्छे से समझिए डियर स्टूडेंट। सेकेंड है कठोरता, धातु कठोर होती है, जैसे कि आपके आसपास आपके पास बेड होगा वो धातु, जैसे उसमें जो आप देखते होइएगा सेलफोन है वो कठोर है, ठीक है। धातु मतलब समझ लीजिए जो आयरन है, आयरन होगा, ठीक है, ये आपके पास फैन होगा वो सारे धातु है, ठीक है। और अधातु अधिकतर नरम होती है, नरम होती है मतलब उसे आसानी से दबाया भी जा सकता है, ठीक है। रूप कैसा होता है तो धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस रूप में पाई जाती है, ठीक है, जबकि अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती है। किसमें? ठोस या गैसीय रूप में। आघात वर्ध्यता होती है, यानी धातु कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि अधातु को आघात वर्धन नहीं होता है, यानी उसको पतली चादर के रूप में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तन्यता क्या होता है? धातु को पतली तार में खींचा जा सकता है जबकि अधातु को पतली तार में खींचा नहीं जा सकता है। डियर स्टूडेंट, विद्युत व उष्मा के चालक होते हैं धातु, जैसे सामान्यतः धातु विद्युत उष्मा के सुचालक होते हैं, यानी करंट उसमें फॉलो होता है, ठीक है। और सामान्यतः अधातु विद्युत व उष्मा की कुचालक होती है, यानी इसमें करंट फॉलो नहीं होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए, धात्विक धातुएं कठोर सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न कर सकती, जबकि अधातुएं कठोर सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न नहीं कर सकती है। नोट ये याद रखिए डियर स्टूडेंट, इसमें से आपके एक नंबर, आपके 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन, आपको ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। यानी मरकरी कमरे के तापमान पर द्रव होता है और ग्रेफाइट विद्युत व उष्मा की सुचालक होती है, ठीक है। चलिए, इसमें बेहद ही खास ईजी प्रश्न है, इसे चार प्रश्न है, इसका आंसर आप देख लेते हैं, ठीक है, पांच है प्रश्न, ठीक है। चलिए, तो लेट्स सी द आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट का, अपने आसपास से किन्हीं तीन धातुओं के नाम बताइए। तो पहला मैंने आयरन बताया, दूसरा सोना, तीसरा चांदी, चौथा एल्युमिनियम। तीन हमने चार बता दिया तो अच्छी बात है, आपको याद रह जाए चार तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, विद्युत के सुचालक से क्या तात्पर्य है? विद्युत सुचालक का अर्थ है किसी भी धातु में विद्युत यानी करंट का पास होना, यानी उष्मा का पास होना, ठीक है। उष्मा भी इसमें ऐड कर देंगे डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए, थर्ड है धातु के कोई तीन गुण बताइए, सॉरी अधातु के कोई तीन गुण। तो अधातु चमकीली नहीं होती है, पहला आप ये बना लीजिए, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अधातुएं अधिकतर नरम होती है और अधातु ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आघात वर्धनता और तन्यता में क्या अंतर है, और उसके बाद फिफ्थ है क्वेश्चन है धातु एवं अधातु में कौन कौन धात्विक है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आघात वर्धनता और तन्यता, आघात वर्धनता मतलब धातु का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। सोना और चांदी सबसे ज़्यादा आघात वर्ध्य धातु है, जबकि तन्यता धातु का वह गुण है जिसके द्वारा उनके लंबे और पतले तार बनाए जा सकते हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया, राइट। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसलिए डियर स्टूडेंट, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी के लिए 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट अपलोड कर दी जाती है, ओके। धातु और अधातु में कौन से धात्विक है, यानी धातु ध्वनिक, यानी किसमें आवाज उत्पन्न होती है, तो धातु में होती है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।